नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय पंचका। समय था रात की 11:37 और उस समय नेपाल में जबरदस्त भूकंप की जो तबाही देखने को मिला, लगभग 200 लोगों की जान भी जा चुका है। अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं और उनको फिर रेस्क्यू करने के काम चल रहा है। इस जबरदस्त तबाही के चलते भूकंप का जो रिएक्टर स्केल में इसका तीव्रता था 6.4 और भारत के कई हिस्सों में भी भूकंप की झटका पाए गए हैं। राजधानी दिल्ली समेत हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी इसका झटका जो है महसूस किया गया। तो इसे ये समझ में आता है कि मैदानी इलाका और जो पहाड़ी इलाका दोनों क्षेत्र में इसके जो भूकंप के जो झटके हैं वो देखने को मिला। तो फिर कहने का मतलब ये है कि कुछ ही दिन पहले श्री पुलिन बिहारी पंडा जी ने वही फोरकास्ट किए थे जो आज सामने आया। लगभग उन्होंने बताया थे कि 2023 के बचे हुए जो 2 महीने हैं उसी दौरान जो है विश्व के विभिन्न स्थानों पर हमें भूकंप के झटके जो है देखने को मिलेंगे और ये देखने को मिला नेपाल में। तो इसी विषय में आज हमारे साथ जुड़े हैं मालिका रिसर्चर और कल्कीलीला पुस्तक के रचयिता श्री पुलिन बिहारी पंडा जी। अब स्वागत करता हूँ हमारे चैनल में। जय जगन्नाथ। तो मतलब एक वीडियो में आपने जो फोरकास्ट बताए थे कि 2023 के जो बचे हुए 2 महीने हैं वो मतलब बहुत सारे विपात लाएंगे, महाविनाश लाएगा, ग्रहण और ग्रहण के बाद ही ये सब देखने को मिला। तो इसके बारे में क्या कहता है आपका रिसर्च और खास करके क्या कहता है मालिका? ये मालिका तो बोला है कि सब पंचसंघ संघ ये संतों ने जी जितने भी 17 जो मेन संत है 17 संत जिसका ऊपर का ऊपर में किताब मेरा किताब बेस हुआ है जी बिल्कुल बिल्कुल सबका इसमें कुछ कुछ है इसमें सबने बोला है कि पृथ्वी पे बहुत भूकंप आएगा। ऐसा समय आएगा कि भूकंप रुकेगा नहीं, हर रोज मतलब हर रोज हर टाइम भूकंप चलता रहेगा। आज अभी इंडिया में चलता है, 1 घंटा बाद इंग्लैंड में होगा, उसका 1 घंटे बाद इंडोनेशिया में होगा, ऐसा चलता रहेगा विश्व की मतलब विभिन्न प्रांतों में देखने को मिलेगा। हाँ, और एक चीज लिखा है जब लास्ट प्रलय आएगा उसी टाइम वो नॉस्ट्रास में उसको लिखा है, पंचसंघ में लिखा है, कुरान में भी है, बाइबल में भी है, सब एक ही बात लिखा है। अच्छा, क्या लिखा है? कि सडनली टोटल अर्थ कापेगा कापेगा मतलब टोटल अर्थ में भूकंप आएगा और उसके बाद पृथ्वी एक साइड को ढल जाएगा वो भी आफ्टरनून में होगा। नहीं, पृथ्वी एक साल को जो ढल जाएगा वो तो लिखा है, लेकिन मतलब सडनली समग्र विश्व में मतलब जो लिखा हुआ है कैसे होगा, क्यों होगा, मेरे ख्याल से उल्कापात जो गिरेगा उसी कारण से उल्कापात जो उसका कारण होगा। लगभग 2.5 किलोमीटर रेंज का एक जो गिरेगा, 7 स्टेडिया लॉन्ग बोल के मतलब इसका लेंथ इतना है कि 7 स्टेडियम के बराबर, 7 मेरे हिसाब से 7 स्टेडियम बराबर होगा, 2.5 किलोमीटर उसका लेंथ होगा उसका। तो उसी टाइम में शायद हो सकता है, लेकिन भूकंप बारे बहुत लिखा है इसमें जी जी जी। हाँ। जी जी। पर अब आपको ख्याल होगा लास्ट ईयर दिसंबर शायद 11th या 12th को हम लोगों ने प्रेडिक्शन किया था 2023 के ऊपर, 2023 जी जी जी। उसमें मैं बोला था उस टाइम में कि 23 का लास्ट 2 मंथ बहुत संगीन होगा पृथ्वी के लिए, हम लोग के लिए बहुत डेंजरस होगा, क्योंकि ऐसे ऐसे सब घटना का शुरुआत होगा उसमें कि आज लोग डरेंगे, डर जाएंगे, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, आगे में क्या है, क्या आ रहा है हमारे ऊपर, ये सोच के डरेंगे लोग। अच्छा। और उसका शुरुआत अभी चालू हुआ। अच्छा, एक बात बताइए कि मतलब बहुत सारे जो मालिका के भविष्य मालिका के जो रिसर्चर हैं और मतलब भारत के बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजर भी हैं, जो भविष्य वक्ताओं भी हैं, उनका ये मानना है कि चंद्र ग्रहण लाएगा महाविनाश। हाँ, तो मतलब अभी अभी चंद्र ग्रहण होके जो गया है और उसके बाद देखने को मिल रहा है कि नेपाल में एक जबरदस्त भूकंप आया, तो क्या कहें मतलब इसके बारे में आप क्या देखिए कहेंगे? विनाश में बोला ना आपको, लास्ट टाइम बोला था कि चंद्र ग्रहण पंचतत्व का अफेक्ट करता है जी जी जी, और आदमी का मन को अफेक्ट करता है जी,
पंचतत्व में ये भू तत्व हो गया ये विंगम, वो तो पहले क्या आने पहले आने आया हो, भूमिकंप के साथ में सुनामी आ सकता है जहाँ बड़ा भूमिकंप होगा, फिर आपका बारिश तूफान ये सब चीज है। लेकिन अभी जो हुआ है नेपाल में, खाली तो नेपाल में नहीं हुआ है, आपका हिमालय रेंजेस में भी हुआ है, उत्तराखंड में हुआ, सही बात है, हिमाचल प्रदेश में थोड़ा बहुत हुआ, दिल्ली में हुआ, दिल्ली में तो बहुत, बिहार में हुआ, दिल्ली में तो बहुत सारे लोग जो है रात को सोए हुए थे वो सडनली बाहर आ गए, बिल्डिंग के बाहर आ गए, अनाउंसमेंट हुआ, घर के बाहर में रहिए सोइए मत। हाँ सही बात है, अनाउंसमेंट भी हुआ था, सही बात है, दिल्ली में अनाउंसमेंट हुआ था, एनसीआर में ऐसा हुआ था, एनसीआर में अनाउंसमेंट हुआ था, जी जी जी। तो नॉट ओनली वी, नॉट ओनली जो जो पंसा लिखा है वो बात नहीं है, अभी जो लोग शासन करते हैं, जो साइंटिस्ट है भी, सब बिल भी करते आ रहा है, समथिंग इज कमिंग, बट हम लोग जो बोलते हैं वो उसके ऊपर डॉट मारते हैं, यस इट विल कम, ये आएगा जरूर, वो लोग समझ में आ गया कि जो लिखा हुआ है वो होगा, लेकिन कब होगा पता नहीं। अच्छा, इस लोगों को तो देखिए, एक्चुअली मेरे हाथ में है कल के लिए लाख की पुस्तक, जिसका रचयिता है श्री पुलिन बिहारी पंडा जी, तो सीधा मैं इसमें आ जाता हूँ, हालांकि ये उड़िया भाषा में है, और सीधा मैं आ जाता हूँ 190। इसी में लिखा है कि नस्टाडमस, पाश्चात्य के जो भविष्यवक्ता हैं नस्टाडमस, उन्होंने लिखे थे कि तीसरे विश्वयुद्ध के सात प्रमुख कारण, सात ऐसे प्रमुख कारण है जिसके चलते तीसरा विश्वयुद्ध होगा, उसमें से दो तीन कारण जो है मैं पढ़ देता हूँ यहाँ पे। एक तो लिखा है पृथ्वी के बहुत सी जगह पे अकाल आएगा, सूडान, सोमालिया, कंबोडिया, वियतनाम, बांग्लादेश, भारत, इसके साथ साथ अमेरिका और रूसिया में भी यह अकाल देखने को मिलेगा। और भी एक लक्षण है उसमें है कि पृथ्वी के जो वायुमंडल हैं एटमॉस्फेयर, वो है जो पॉइजनस हो जाएगा, विषाक्त हो जाएगा। और सिक्स्थ में ये लिखा है कि पृथ्वी के बहुत स्थानों में भूकंप दिखाई देगा। यहाँ पे सीधा सीधा उन्होंने लिखे हैं कि पृथ्वी के बहुत ही स्थानों पर भूकंप दिखाई देगा। लास्ट में जो लिखे हैं सातवीं लक्षण, वो लिखे हैं कि बहुत सारे गुप्त रोग और न्यू डिजीज महामारी वो भी सामने आएंगे, और इसका इलाज लगभग किसी के पास उस समय नहीं होगा। तो ये कुछ प्रमुख कारण है जिसके चलते पृथ्वी में जो तीसरा विश्वयुद्ध के ये प्रमुख कारण बनेंगे। उसमें सीधा सीधा लिखा है कि बहुत स्थानों में भूकंप होगा। मैं यहाँ पे एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो भूकंप की बात आप यहाँ पे लिखे हैं, नस्टाडमस ने जो लिखे हैं, मतलब भूकंप के चलते ये तीसरा विश्वयुद्ध का कारण कैसे बन जाएगा? देखिए, भूकंप जो होता है जी, अभी आप मार्क करिए, सब रात में आ रहा है। हाँ रात में, कल जो दिन में नहीं आ रहा है, कल जो आया था रात को 11 बजे, आप सोते होंगे रात को 2 बजे, 11 बजे, 1 बजे भूकंप आएगा, क्या करेंगे आप? कुछ नहीं कर सकते। जब सेंस आ गया तब खत्म हो जाएगा, खत्म। तो इसलिए वो अभी भी देखिए वहाँ पे बोलते मेजर फैक्टर, ये धनसुलीला में भूकंप बोली मेजर फैक्टर, भूकंप के लिए जितना सब आप बना रखा है, इतना ऊंचा ऊंचा मकान बना रखा है, बड़े बड़े जो इमारत, वो सब खत्म होगा। जी जी जी, वो खत्म होने साथ साथ आदमी भी खत्म होंगे। लेकिन एक बात आपको बोलता हूँ, मुझे याद आ रहा है 99 जो उड़ीसा में हुआ था साइक्लोन, सुपर साइक्लोन 350 किलोमीटर स्पीड कितना था किसको पता ही नहीं है, उसका स्पीड कितना था किसको पता ही नहीं, नहीं तो उड़ीसा का बंदर क्या था, डाटा 350 किलोमीटर, लोग अंदाजा कर रहे हैं 350 होगा, हो सकता है 400 हो, उसमें आपका करीब करीब 15 फीट ऊंचा क्या पानी आ गया था कोस्टल लाइन में, कोस्टल इलाके में करीब करीब 15 किलोमीटर अंदर में आ गया पानी। हाँ हाँ, ज्यादा 25 किलोमीटर तक आ गया था। लेकिन उसमें एक पिकुलर चीज हुआ, क्या आपका समुद्र से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर में गांव है, गांव का नाम मैं भूल गया, एरसमा, एक चाल घर में, एक चाल में रहता था एक आदमी, तो प्रभु का भक्त है, ऑलवेज उसको कुछ ये प्रभु का नाम लेता रहता है, झोपड़े वाला कोई नहीं है जी। उसका ओनली मिसेस, उसका मिसेस था, और एक लड़का था उसका। अच्छा,
जब पानी आया वो उसके पत्नी और उसका बच्चा है, वो उसके पत्नी और उसका बेटा बेटा जो पानी आना चालू हुआ उसका पत्नी और एक बेटा को लेके भाग गया दूसरी जगह, दूसरी जगह आगे चला गया वो सेव करने का अपने के लिए। और ये जो आदमी है वो उधर बैठा रहा। अच्छा वो नहीं, हम नहीं जाएगा। अच्छा मतलब मारना है तो मारेगा, नहीं रखेगा तो रखेगा, मैं नहीं जाऊँगा, मेरा प्रभु है जो करेगा करेगा, मरने से अच्छा बचने रहने से अच्छा। तो वहाँ वो बैठा रहा अपना खटिया के ऊपर बैठा रहा, तूफान में उसके ऊपर चाल गिर गया। चाल ऐसे होता है तो जस्ट उसका हेड के ऊपर मिडिल प्लेस रहा तो उसका सर को टच नहीं किया वो, लेकिन उस चारों तरफ ढांक के रखा उसको, पानी अंदर ज़्यादा नहीं आ सका। दो दिन बाद पानी तो वापस चला गया। ये अंदर बैठा है बिना खा के पी के अंदर में ऐसे ही बैठा है, प्रभु का नाम लेता रहा था। तो लोग देखे अंदर से किसका साउंड आता है उसको तोड़े उसको, अगर ये आदमी बैठा है जिंदा भी है हाँ, और उसका बीबी और बच्चा दोनों खत्म हो गए। और निकलते निकलते उसको पानी आ गया, उसको ले लिया चपट में। दैट इज द पोजिशन ऑफ ऑल द भक्तज। ओके, सब भक्त के लिए यही है, हरिकासी शरण में रहो और आपको कुछ नहीं होगा। ऐसे ही आपका जो है हरि आपका रक्षा करेंगे, आप हरि के को सब समर्पण कर दीजिए, आपका लाइफ आपका एवरीथिंग समर्पण कर दीजिए, मैं कुछ नहीं हूँ, मतलब इस तरह सब आपका है, मुझे रखना है रखो, मारना है तो मारो, हमारा कुछ नहीं है। मतलब इसी तरीके कुछ कुछ मिरेकल्स होगा और वो बचेंगे। होगा, बाइबल में लिखा हुआ है, अपना किताब में साथ देख दो केस दिया है मैंने कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये समुद्र का मान लीजिए नदी का पानी या समुद्र का पानी आ रहा है, बीच में कुछ लोग रुके हुए हैं जी, और जब उसके भक्त लोग हैं वो लोग जब पानी आ रहा है वो दो धारों के निकल जाएगा, उसको टच नहीं करेगा। अच्छा, भक्तों को कोई कुछ नहीं होगा। कहाँ कहाँ ये भी लिखा है, कहाँ कहाँ आपका भक्त रुके होंगे वो जगह ऊंचा हो जाएगा। अच्छा 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 अच्छा, जब भूकंप से ऊंचा हो जाता है कभी कभी ऐसा ऊंचा हो जाएगा वो जगह, वो लोग सेव हो जाएंगे। तो कैसा सेव करेंगे वो जानता है, हमको सोचने से कुछ नहीं होगा। मतलब यहाँ पे कोई लॉजिक कोई साइंस वहाँ यहाँ पे कुछ नहीं काम करेगा। राइट, नो साइंटिस्ट नो साइंस विल वर्क, नो लॉजिक विल वर्क, नथिंग विल वर्क, ओनली भक्ति विल वर्क, भक्ति काम देगा और कुछ नहीं। प्रभु का नाम लो है, प्रभु का नाम, प्रभु का नाम लो बस चल जाओ। प्रभु हम आपका है, आप रखेंगे रखेंगे, मारेंगे तो मारेंगे, आप मुझे लाया है जब लेना है ले जाओ। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक ही बात बस आपसे जानना चाह रहा था, जैसे कि भविष्य मालिका में लिखा है कि ऐसा कोई एक इंसिडेंट होगा भारत में या फिर विश्व में, ऐसा कुछ लिखा है कि एक ही साथ 10 लाख लोगों की मौत हो सकता है, देखिए तो क्या ये भूकंप के चलते होगा या फिर और भी कुछ हो सकता है आपके हिसाब से? देखिए भूकंप के भूकंप में 10 लाख तक मरना बहुत रेयर है। क्यों, दिल्ली में तो आबादी बहुत है। नहीं, अगर ये भूकंप होगा आपका लंदन में न्यूयॉर्क में जहाँ 3 करोड़ 4 करोड़ लोग बैठ रहते हैं, लोग रहते हैं वहाँ भूकंप हो जाए, टोटल लंदन भूकंप, टोटल न्यूयॉर्क का भूकंप हो जाएगा तो 10 लाख का मर सकते हैं, उसमें हो पॉसिबिलिटीज देयर मर सकते हैं। लेकिन ऐसा अपना एक बार जो भुवनेश्वर होगा या पुरी में होगा या इधर होगा उसमें तो नहीं मरेगा ना। अच्छा, टोटल भुवनेश्वर का पॉपुलेशन 10 लाख है, हाईली डेंस पॉपुलेशन जहाँ पे है, हाँ जहाँ हाई डेंसिटी पॉपुलेशन है वहाँ हो सकता है। लेकिन मेनली इसलिए अपन ये होगा किस लिए, आपका सुनामी के लिए, सुनामी के चपट में ही हो सकता। अच्छा, ये दोनों के दिन में होगा, सुनामी और कौन सा एटम बम, एटम बम गिरेगा तभी हो सकता है, ये दोनों के लिए होगा, नहीं तो और कोई जिन नहीं और कोई रास्ता नहीं है। ओके ओके, तो मालिका में यही लिखा है तो आपके ख्याल से ऐसा कुछ होगा? होगा, जरूर होगा। अच्छा अच्छा, क्या सुनामी आएगा? बहुत सुनामी आएगा। तो देखिए मतलब अगर हम बात करें जैसे नेपाल में हुआ तो तीव्रता लगभग उसका था 4.6, तो दिल्ली में भी जो झटके पाए गए हैं उसमें था 5.4, तीन। तो मतलब आगे चल के क्या इसका तीव्रता जो है दिल्ली में बढ़ सकता है या फिर ऐसा कोई संभावना है? मतलब नहीं, वो कम है, कुछ कम नहीं होगा, बढ़ेगा तो बढ़े, जो जो जहाँ जो चीज़ जहाँ हुआ है
वो सब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा ईयर बाई ईयर। 23 में जो होगा उससे ज़्यादा 24 में होगा, 24 में जो होगा उससे ज़्यादा 25 में होगा, ऐसा चलता रहेगा 28 तक। तो मतलब आपका ये मानना है कि मतलब 2023 के ही आने वाले जो 2 महीने और हैं वो भी मतलब भारी कुछ आ सकता है नुकसान, ये और विकोप आ सकता है, मना नहीं करता हूँ। इंडिया में कुछ कुछ जगह आ सकता है, और आपका वेस्टर्न कंट्रीज में आ सकता है, अफ्रीका में आ सकता लेकिन है। आएगा है? आएगा कम आएगा जरूर, कहाँ तो होगा तो आएगा जरूर। अच्छा कम नहीं होगा, कम नहीं होगा, ये मेरे अंदाज है। अच्छा नहीं आएगा तो मत बोलिए कि आप बोला था आएगा और क्या आया नहीं, मैं क्या करूं भैया, मैं तो भगवान नहीं, नहीं आप ये जो बोल रहे हैं कि मतलब आपका सोर्स क्या है, किस आधार पर आप बोल रहे हैं? बस मेरा सोच वही है कि आएगा, क्योंकि इसमें जो हम देख रहा है ईयर वाइज 24, 25, 26, 27, 28 तक जो देख रहा है, जो चीज आपका होगा 23 में उससे ज़्यादा होगा 24 में, 24 से ज़्यादा होगा 25 में, 25 से ज़्यादा होगा 26 में, 26 से ज़्यादा होगा 27 में, 28 में पूरा होगा। उसके बाद एक साल थम जाएगा, 29-30 में महाप्रलय आएगा, एक साथ आएगा। अच्छा एक साथ ही आएगा महाप्रलय, महाप्रलय। अच्छा दैट इज माई स्टडी, मेरे हिसाब से। चलिए बहुत बढ़िया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे दर्शकों को आपने बहुत ही गुरुत्वपूर्ण जो महत्वपूर्ण तथ्य वो शेयर किए। अंत में एक चीज आपसे जानना चाहूंगा कि भक्तों के लिए आपका संदेश क्या रहेगा? बोलो ना, अभी आपको आपको दिया, इसका एग्जाम्पल दिया, अभी वही करना है। हरि नाम केवल हम खाली बैठ के ऐसा हरी 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 कर्ण से हुआ नहीं, दिल से हृदय से हर टाइम हर वक्त जो काम आपको कर रहे करिए, कोई बात नहीं उसमें। मैं लिख रहा हूँ क्या पढ़ रहा हूँ या कुछ दूसरा काम कर रहा हूँ, लेकिन मन में हरी हरी चलता रहेगा, सब कुछ उनके समर्पण में, पूरा समर्पण भाव आना चाहिए। समर्पण भाव जगह होगा तभी बच सकते हैं। उड़िया में आपका भेहू भाई एक पंक्ति लिखा है, क्या लिखा है पहले उड़िया, उसका उड़िया पढ़ता उसका मीनिंग समझा लूंगा। निष्ठा वचन लिखन एणु एणिकि नवजिले स्वामीपाद निश्चय पड़ब प्रमाद। अभी इसे आप निष्ठा में रहिए प्रभु के पाद में, प्रभु के पैर में शरण लीजिए, निष्ठा में शरण लीजिए, ऊपर मन से नहीं, अगर नहीं करेंगे तो प्रमाद आएगा। अच्छा प्रॉब्लम फिर आ सकता है, प्रॉब्लम आएगा, जरूर आएगा। जी 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 बहुत। चलिए फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को आपने बहुमूल्य समय दिए, और दर्शकों को हमारे जो भक्त हैं उन तक आपका संदेश जो है आप पहुँचाए। अभी आप सुन रहे थे मालिका के रिसर्चर और कलकुल्ला पुस्तक रचयिता श्री पुलिन बिहारी पंडा जी को। तो फिर श्री पुलिन बिहारी पंडा जी जो बोल रहे हैं ये मतलब मालिका के भविष्य मालिका में जो कुछ भी लिखा है और अन्य भविष्य वक्ताओं ने जो कुछ भी कहे हैं तो उसको डिकोड करते ही उन्होंने लिखे हैं ये किताब, और उसी के चलते उसके आधार पर आपको ये सब बातें वो बता रहे थे। ये सब जो बातें हैं ये आपके मन में कोई भय उसको संचार करने के लिए हम ये बात नहीं कर रहे हैं। भविष्य मालिका हमेशा समाज को एक सचेतन की वार्ता दिया है, वो आप तक पहुंचाने के लिए हमारा चैनल छोटा सा प्रयास कर रहा है। कैसा लगा आज का ये एपिसोड कमेंट में लिखिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय जगन्नाथ, जय पंच जय पंच सखा।